नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों आज हम यानी कि बच्चों का कलर का पैटर्न काटेंगे, किस तरीके से काटा जाता है। यानी कि नौ कलर में आप डाल सकते हैं, ये पैटर्न यूज कर सकते हैं 10 कलर में, और जो है 11 में, 12 में, 12.5 तक आप इसमें यूज कर सकते हैं इसको। इससे ऊपर के लिए बड़ा पैटर्न चाहिए होता है। तो इसमें मैं छोटे बच्चों का जो है पैटर्न जो है वो यहाँ पर काटेंगे। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो यहाँ पर आपको एक दफ्ती ले लेनी है, जिसका भी पैटर्न काटें, या फिर जो है आप जो है सबसे पहले दफ्ती से पहले कागज़ पर काट लें, आपका पैटर्न फिक्स बैठे उसके बाद दफ्ती का काट लें। तो हम यहाँ पर डबल कर लेंगे। तो पैटर्न काटने तो डबल आप जरूर करके देखें, डबल करके ही पैटर्न काटें। तो यहाँ पर 7.5 फोल्ड कर लिया है, तो इसको हमने इस तरीके से, अब यहाँ पर रोकने के लिए आप चाहे स्टेपलर लगा लें, मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ। अब यहाँ पर काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, तो हमारा 12.5 रहेगा, 12.5 से ऊपर नहीं जाएगा। तो 12.5 यानी कि 6.25 तक रहेगा। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं 6.25 का। अब यहाँ पर इधर साइड की लाइन सीधी कर लेते हैं हम, जब तक लाइन आपकी सीधी नहीं होगी पैटर्न सीधा नहीं आएगा। ये सीधी हो गई। अब जो है यहाँ पर जो है 6.25 रख देंगे, 12.5 का हमें काटना है, छोटा यानी कि 12.5 तक लिमिट है इसकी। तो ये इस तरीके से हो गया। इतना हम कपड़ा अपना मतलब निकाल लेंगे इसको। इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर ठोंका बनाना है, तो ठोंका 1 इंच में 1 सूत कम रखेंगे, छोटा पैटर्न है इसलिए। और जो है यहाँ पर क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस जो है वो 3 सूत कर देंगे इस तरीके से, और गुलाई में रखेंगे। तो गुलाई के लिए हमें फंटी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और इधर साइड में भी जो है हम 3 सूत जो है डाउन कर देंगे, ज़्यादा इसमें नहीं करना होगा क्योंकि हल्का है ना, 4 सूत हमने कर दिया यहाँ पर डाउन। और यहाँ से हमको मिला देना है, यहाँ से यानी कि 1 इंच यहाँ पर, 1 इंच से यहाँ से मिला देना है फंटी से। चाहे ऐसे भी निशान लगा सकते हैं आप इस तरीके से, इस तरीके से जब हम काटेंगे तो थोड़ा लेवल में ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है अब हम 1.25 की पट्टी अपने मतलब 1.25 का काटेंगे। ये हो गए 1.25, ये हो गई, इसी तरीके से रख देना है। यहाँ पर थोड़ी पतली कर देना है, 1 इंच में 1 सूत कम, इधर थोड़ी चौड़ी रहेगी, इधर साइड में एक ही 1 सूत कम रहेगी, इस तरीके से आपको दे देना है। तो ये देखिए ये निशान लग गया, ये स्टोन का है। तो यहाँ पर बैठे है 1 इंच 1 सूत, यहाँ पर 1 इंच में 1 सूत कम, बाकी ये हमें को ठोंका बना देना है 1 इंच में 1 सूत कम। इस तरीके से जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, ये इधर साइड में रहेगा 1 इंच में 1 सूत कम, और इधर साइड में रहेगा 1.25 इंच का। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो है वो 0.5 इंच की रहेगी, क्योंकि छोटा है, बड़ा होता तो ये बढ़ जाता,
ज़्यादा चौड़ा कर देंगे तो वो बड़े में आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर नौ कॉलर भी कटेगा, तो इस वजह से हमको पतला रखना होता है। ज़्यादा चौड़ा कर देंगे तो वो बड़े में आ जाएगा और ऐसा लगेगा शर्ट छोटी है, कॉलर बहुत भारी है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब ये चीज़ हो गई, अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पर स्टोन नापते हैं तो एक इंच डेढ़ सौ था, यानी कि एक इंच एक सौ मान लीजिए, इतनी ही कटती है। तो जो है मतलब दबी हुई नहीं होना चाहिए, एक इंच एक सूत के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, सवा इंच हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो है अब हम आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक इंच एक सूत है तो इसमें जो है तीन सूत का दबाव जाएगा नीचे साइड में, कलर में दबता है ना वो, और एक इंच एक सूत ये है। तो हमें जो है तैयार अपनी जो पट्टी है मतलब कॉलर की पीबैक की चौड़ाई है उसको जो है सवा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमको रखना होगा, सवा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसमें जो है तीन सूत हमको और बढ़ा देना है, क्योंकि देखिए एक इंच एक सूत ये है। तो जब हम इसको तलपट करते हैं, मान लीजिए कॉलर में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये कॉलर है तो इसको जब हम तलपट करेंगे इस तरीके से तो इसमें भी थोड़ा सा अंदर कॉलर जाता है, मतलब मोटापन हो जाता, ये पलटते हैं तो इसमें भी कपड़ा जाता है ना, तभी ये जो इस तरीके से आता है। और ये स्टोन से हमको एक सूत हमेशा बढ़ती रखना होता है, और इधर भी कपड़ा जाएगा तो हमको दो सूत बढ़ती ज़्यादा रखना होता है स्टोन से, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसी तरीके से यानी कि एक सूत एक इंच एक सूत ये है, तो एक इंच तीन सूत जो है हमको रखना होगा तैयार, यानी कि डेढ़ इंच में एक सूत कम, और उसमें तीन सूत हमको और बढ़ा देना नीचे का दबाव जो जाता है ये वाला, इसके अंदर जो दबता है कॉलर, ये इसके अंदर जो कॉलर दबाया जाता है स्टोन में वो। तो टोटल हमारा तो टोटल हमें जो है अगर एक इंच एक सूत है पट्टी तो हमें जो है पौने दो रख देना है इस तरीके से, ये पौने दो हो गया। अब हमें नोक जो है नोक के पास जो बड़ी सटें होती है नॉर्मल उनमें तीन इंच नोक कटती है, इसमें हम ढाई इंच काटेंगे, हमारा दबाव जो है आ जाएगा मतलब दबाव सहित। अब हमें राउंड वाली ये फंटी देख रहे हैं तो वो राउंड वाली फंटी लेके इस तरीके से और बैठा लेना है इस तरीके से, ये चीज़ हमारी लाइन जो है सीधी जा रही है, नीचे की भी सीधी जाए, क्रास में इस तरीके से नहीं होना चाहिए वरना जो है गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ ये देखिए क्रास में जा रही है, ये चीज़ हल्की सी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसको हमको जो है इस तरीके से सीधा रखना है, ये चीज़ वो अपने आप ही सेट हो जाएगी। तो अब हम इसको काटते हैं, ये हमारा निशान लगा, ये वाला निशान लगा यहाँ पर, ये आ गया। अब हमें जो है क्रॉसिंग में थोड़ा सा इसको क्रॉस में रखना होगा, तो क्रॉस के लिए आप जो है पौन इंच यहाँ पर छोड़ दें, ये हो गया। ये निशान लग गया हमारा, यानी कि साढ़े बारह कॉलर, बारह ग्यारह दस नौ। अब हम इसको काटते हैं, अब इसको काटने के बाद आप किसी भी दफ्ती पे काटें, सबसे पहले कागज़ पे ही काटा जाता है, और फिर मैं बताऊंगा फिर उसको कैसे सेट करते हैं। जब आप कैंची लगाएं तब भी थोड़ा सा गुलाई में दें ताकि जो है हमारा और बेहतर हो जाए। और यहाँ पर नोक वगैरह कुछ भी बने ना, अब इसको काट लेते हैं।
अब इसको निकाल लेते हैं। कैंची हमको ऐसे नहीं रखनी है वरना फिर नोक बन जाएगी। यहाँ पर कट टाइप का सीधी रखना है, बाद में अभी हम सेट कर लेंगे अगर गड़बड़ होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि एक बार में पैटर्न नहीं आता है सेट में। पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, आखिर में बताऊंगा फिर आपको क्या करना होता है। और इसको सेट कर लेते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, ये इस तरीके से आया है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हल्का सा डाउन वैसा लग रहा है ऊपर के लिए, तो हम इसको सेट करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर हल्का सा ये चीज़ जो है दबी हुई लग रही है, इसको भी सेट करते हैं। बाद में सेट करना आपको ज़रूरी होता है। तो ये देखिए ये अब बिल्कुल सही। तो देखिए ऊपर वाला हमने यहाँ पर सेट करा है, तो इसको इस तरीके से रख के फिर आपको देखना है ये चीज़ बराबर बैठनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीच में थोड़ी सी गैपिंग है क्योंकि हमने कॉलर सेट करा था और स्टोन नहीं अभी सेट करी है। तो अब हम इसको स्टोन को भी सेट करते हैं और ये चीज़ भी देख लेनी है, ये चीज़ अगर आपकी गड़बड़ हो, कहने का मतलब बिल्कुल सीधी चाहिए पैटर्न है इस वजह से। अब हमको इस तरीके से अब हम इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पर उठा हुआ है हल्का सा हिस्सा देख सकते हैं बीच में, इसको हमको सेट करना है। उसमें दबा हुआ था, इसमें उठा हुआ है हल्का सा, बिल्कुल सेट करना है जितना उसमें गैपिंग थी। तो अब ये सही है, अब हम रख के देखते हैं इसमें। तो ये अब बिल्कुल सही है, इसी तरीके से आपको काटना। अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पैटर्न बिल्कुल सही काट दिया, उसके बाद इसका फिर जो है आप कागज़ का काटा है फिर दफ्ती का काटें। दफ्ती का काटने के बाद उसके बाद फिर आपको 12:30 या मतलब 11:09 जो भी कॉलर काटना है वो आप चेक शर्ट का काटें, बैठाल के देखें और प्रेस तोड़ें। प्रेस कैसे तोड़ा जाता है ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से हमने बताया है। तो प्रेस से आप तोड़ें, उसके बाद जो है उससे क्या होगा फिर आप बैठाल के देखें, सही बैठ रहा है तो ठीक है, अगर ना सही बैठ रहा है फिर आपको दूसरा काटना होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने काटा है इसमें आपका बिल्कुल सही बैठेगा। तो इस तरीके से आप काटेंगे, छोटा पैटर्न है ये और बहुत ही अच्छे से आप काट सकते हैं इसी तरीके से अगर काटेंगे। तो देखिए स्टोन वगैरह बिल्कुल एकदम ज़्यादा चौड़ी नहीं है और बिल्कुल सही हैं, परफेक्ट हैं यहाँ पर। तो देखिए ये चीज़ जो है ये यहाँ पर आई है 1.25 में, आधा सूत थोड़ी सी कम है, 1.25 हमने काटी थी, छाड़ने में निकल जाता है। बाकी ये चीज़ 1 इंच एक सूत है, थोड़ी सी हवा और बढ़ती। बाकी ये चीज़ जो है ये 2.5 इंच है, 2.5 इंच एक सूत है, तो दबाव जाएगा भी इसमें दबेगा वो अपने आप ही 2.25 की आ जाएगी। और इस ये चीज़ जो है ये देखिए ये 1.25 इंच की है, इधर साइड की जो है वो 1.25 इंच एक सूत है, और यहाँ पर इसकी बात करें तो ये 0.5 इंच है, 0.5 इंच से थोड़ी सी बढ़ती। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल काटना है। और बड़ा पैटर्न किस तरीके से काटते हैं वो उसका वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। और कुछ पूछना हो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।